हैं आप लोग, आज आप लोगों को विस्कोसिटी बताएंगे। विस्कोसिटी क्या है? व्हाट इज विस्कोसिटी? तो विस्कोसिटी क्या है कि फ्लूइड जो है, जो फ्लूइड आसानी से बहता है, तेजी से बहता है, उसमें कम विस्कस होता है, वो कम विस्कस फ्लूइड होता है, लो विस्कस फ्लूइड। और जो फ्लूइड बह नहीं पाता, मोटा होता है, यानी जो विस्कस जो है, विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है, जिसके कारण फ्लूइड्स जो है बहने का अपोज करता है, एक लेयर दूसरे लेयर पर उसको फ्लो होने का अपोज करता है। तो देखिए, विस्कोसिटी क्या है कि फ्लूइड जो है, कोई भी फ्लूइड है, ये फ्लूइड है, लिक्विड है, यहां पे ये लिक्विड है, मान लीजिए ये वाटर, और एक लेते हैं हम लोग हनी लेते हैं। ये हनी अगर दोनों को हम लोग पोर करेंगे, डालेंगे, तो वाटर तेजी से गिरेगा और ये तेजी से नहीं गिर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लेयर के बीच जो है, ये लेयर जो है रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। यानी विस्कोसिटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स। इस लेयर्स के बीच में जो है ये फ्लो का अपोज करता है, एक तरह से ये फ्लूइड फ्रिक्शन है। तो जिस फ्लूइड में ये ज्यादा होता है वो ज्यादा विस्कस होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, और जिसमें कम होता है वो लो विस्कस फ्लूइड होता है। जैसे वाटर में लो विस्कस फ्लूइड है, ये बड़ा तेजी से गिर जाता है, और ये जो है हाई विस्कस फ्लूइड है, हनी चाहे और कुछ इस तरह का पदार्थ हो सकता है, हाई विस्कस, इसे ग्लिसरॉल है, तो ये नीचे से गिरता है। तो आपको दिखाते हैं अभी एक एक्सपेरिमेंट करके कि वाटर कितना तेज से गिरेगा और हनी कितना लेट गिरेगा। तो देखिए, ये देखिए ये वाटर है, देखिए ये देखिए तेजी से गिर रहा है, ये वाटर जो है तेजी से गिर जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग हनी लेते हैं, तो हनी क्या होगा? देखिए ये हनी है, अगर हम लोग हनी लेते हैं तो ये क्या होगा? देखिए कितना ये गिरेगा, ये देखिए स्लो गिर रहा है हनी, ये स्लो गिर रहा है हनी जो है, ये स्लो गिर रहा है। अब पानी जो है, वाटर जो है, तेजी से गिर जाता है, तो ये हनी है, ये क्या है? विस्कस है, मोटा है, गाढ़ा है, यानी इसके बीच में जो है फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, फ्लूइड फ्रिक्शन इसके बीच ज्यादा है। तो ये हो गया विस्कोसिटी। ये बात समझ में आ गया कि विस्कोसिटी क्या है। तो बच्चों, ये बात समझ में आया कि विस्कोसिटी जो है क्या चीज है, कि जो फ्लूइड जो है तेजी से बहता है उसमें कम विस्कस फोर्स होता है, और जो स्लो बहता है उसके बीच रिलेटिव मोशन, यानी विस्कोसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर्स, बिटवीन टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड्स। ये बात समझ में आए कि विस्कोसिटी जो है
फ्लूड का एक प्रॉपर्टी है। अब हम लोग देखते हैं कि जो है ये विस्कस फोर्स जो होता है किस तरह से लगता है, वो देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये टब है, इसमें फ्लूड्स है, कोई लिक्विड है इसमें, ये फ्लूड्स है। तो अगर इसको हम लोग हिलाएंगे, वाइब्रेट कराएंगे इसके लेयर्स को, ये फ्लूड जो है, फ्लूड्स के लेयर को अगर वाइब्रेट करेंगे हम लोग, इसको हिलाएंगे, मोशन देंगे, तो किस तरह से इसमें फोर्स लगेगा, देखिए फोर्स लगेगा, किस तरह फोर्स लगेगा। ये मान लीजिए लेयर्स है, एक लेयर यहां पे है, एक यहां पे है, सबसे बॉटम पे है ये लेयर मान लीजिए। तो यहां पर वेलोसिटी अगर भी डी भी है, यहां पे वेलोसिटी कितना है इस फ्लूड का, भी डी भी, और ये डीएक्स डिस्टेंस हम लोग ले लिए, डीएक्स डिस्टेंस पे वेलोसिटी कितना होगा, जैसे नीचे जाएगा उसका जो है वेलोसिटी क्या होगा, कम होता जाएगा, क्योंकि यहां पे मोशन किए हैं तो फ्रिक्शन के कारण वेलोसिटी तो घटता जाएगा। तो यहां पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा। और ये डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं पूरा जो है एक्स, तो ये एक्स जो है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, रेस्ट में रहेगा, यहाँ पे रेस्ट रहेगा, सबसे बॉटम में रेस्ट में रहेगा। तो ये जो है, और मान लीजिए इसका एरिया जो है इस जगह पे, एरिया कितना है, ए है। तो जो विस्कस फोर्स होता है, विस्कस फोर्स प्रोपोर्शनल टू ए, विस्कस फोर्स क्या होता है, इस एरिया का प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतना विस्कस फोर्स लगेगा। दूसरा बात क्या है कि विस्कस फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेलोसिटी इसका जो होता है ग्रेडियंट होता है, डीवी बाय डीएक्स। तो कितना हो जाएगा, इसको इसको डिफरेंस करेंगे हम लोग, इसको माइनस इसको करेंगे तो डीवी आएगा, और ये डिस्टेंस डीएक्स है, डीवी डीवी बाय डीएक्स, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। तब जाके क्या होगा, ये जो है इसको हम लोग मिलाएंगे तो क्या निकलेगा, एफ इक्वल टू माइनस ईटा ए डी वी बाय डी एक्स, ए निकल गया, विस्कस फोर्स निकला। यहां पे नेगेटिव क्यों है, नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ए जो फ्लूड फ्लो करेगा बहेगा उसका ऑपोजिट लगेगा विस्कस फोर्स, इसलिए यहां पे नेगेटिव साइन आया हुआ है। ये हो गया कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, इटा क्या हो गया, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट, ये क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया क्या, इटा ए हो गया, इसका एरिया हो गया, और डीवी बाय डीएक्स क्या हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। तो ये इस तरह का फोर्स लगेगा, तो ये बात समझ में आया होगा। और ये जो है कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी का, वो भी देख लेते हैं। कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या यूनिट हो जाएगा, तो देखिए यहां पे क्या आया, एफ इक्वल टू माइनस ईटा ए डीवी बाय डीएक्स, ये फॉर्मूला निकल के आया विस्कस फोर्स का। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, प्राय एग्जाम में आता है, एग्जाम में इसको पूछा जाता है, इसका डायमेंशन पूछा जाता है, इसके एग्जाम में प्राय इसका जो है डायमेंशन पूछा जाता है, इसका यूनिट पूछा जाता है क्या होता है। तो इसका यूनिट हम लोग यहां से निकाल ही सकते हैं, ईटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ईटा इक्वल टू हो जाएगा एफ एफ जो है डी एक्स, चाहे इसे भी आप निकाल सकते हैं डी एक्स बाय डी वी, डी एक्स बाय डी वी बाय
क्या हो जाएगा, ए ए हो जाएगा। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं एफ का कितना हो गया न्यूटन, ये हो गया मीटर, इसका हो गया बीबी का हो गया मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया मीटर स्क्वायर एरिया, ये हो गया। तो ये कट गया, ये कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा न्यूटन सेकेंड और ये मीटर इनवर्स टू, ये हो गया न्यूटन सेकेंड मीटर माइनस टू, ये हो गया इसका ऐसा यूनिट हो गया विस्कस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट हो गया। और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो हो जाएगा एम एम एल वन टी वन, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये बात समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं स्टॉक्स का फोर्स, स्टॉक्स का लॉ, स्टॉक्स का लॉ देखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी देखते हैं। स्टॉक्स लॉ क्या है कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी, कोई अगर स्फेरिकल बॉडी है, इसका रेडियस अगर आर है और ये जो है ये गिर रहा है किसी विस्कस लिक्विड फ्लूइड में, किसी विस्कस फ्लूइड में अगर ये गिर रहा है, किसी विस्कस, मान लीजिए विस्कस फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड है, विस्कस क्या है फ्लूइड है, और इसमें ये अगर गिर रहा है, ये इसमें गिर रहा है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा अपवर्ड की ओर, अपवर्ड की ओर फोर्स लगेगा, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा एफ इक्वल टू सिक्स पाई ईटा आर वी। ये क्या है सिक्स पाई कांस्टेंट है, ईटा तो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर क्या है रेडियस है इसका, वी क्या है इसका वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये गिर रहा है। तो ये जो हो गया स्टॉक्स का लॉ, स्टॉक्स का लॉ, ये विस्कस फोर्स हो गया स्टॉक्स लॉ, किसके लिए स्फेरिकल, स्फेरिकल बॉडी के लिए। और अगर इस फ्लूइड का डेंसिटी अगर सिग्मा है, वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है और सिग्मा इसका, तो ये स्टॉक्स का हो गया फोर्स लगेगा अपवर्ड की ओर, और ये अगर गिर रहा है इस लिक्विड में, और इस लिक्विड का अगर डेंसिटी जो है, ये डेंसिटी है किसका डेंसिटी है फ्लूइड का डेंसिटी है, और इसका डेंसिटी अगर मान लेते हैं हम लोग रो, इस स्फीयर का डेंसिटी कितना है रो है, तब जो है इसमें क्या फोर्स लगेगा, इसमें डाउनवर्ड कितना लगेगा फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा इसका एमजी, एमजी फोर्स लगेगा वेट, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक तो विस्कस फोर्स लगेगा, एक विस्कस फोर्स लगेगा इसमें एफ, ये विस्कस फोर्स लगेगा एफ अपवर्ड की ओर, और एक फोर्स जो लगेगा इसमें थ्रस्ट फोर्स लगेगा, थ्रस्ट फोर्स लगेगा इसमें एफ टी, जो जितना लिक्विड ये डिस्प्लेस करेगा उतना जो है डिस्प्लेस्ड जो फ्लूइड होगा उसका जो वेट होगा उतना ही फोर्स अपवर्ड की ओर फोर्स लगेगा इसमें थ्रस्ट फोर्स। तो इस जो स्फीयर है क्या क्या फोर्स लगेगा इसमें, ये स्फीयर पर जो फोर्स लगेगा इधर एमजी लगेगा, इधर विस्कस फोर्स लगेगा, और एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा एफटी। और जब ये फ्लूइड गिरेगा, गिरने के बाद शुरू में तो इसका एक्सीलरेशन होगा, लेकिन जब फ्लूइड में कुछ ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा, तो क्या होगा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और ये कांस्टेंट स्पीड ये गेन करेगा, ये बॉल जो है कांस्टेंट स्पीड को गेन करेगा, और कांस्टेंट स्पीड जो गेन करेगा एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, और वो जो स्पीड गेन करेगा उसी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो कांस्टेंट जो ये गेन करेगा तो क्या आ जाएगा नेट फोर्स क्या आ जाएगा उसमें जीरो हो जाएगा, जब ये गिरेगा नीचे की ओर
नीचे की ओर गिरेगा और इस फ्लो विस्कस फोर्स के कारण जो है इसका वेलोसिटी डिक्रीज करता जाएगा और एक ऐसा समय आएगा जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी को गेन करेगा और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को गेन करेगा और उसी स्पीड से गिरेगा और उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो क्या क्या फोर्स लगेगा इसमें, एम जी डाउनवर्ड है, एम जी और क्या फोर्स लगेगा इसमें, अपवर्ड के विस्कस फोर्स और क्या लगेगा इसमें, एफ पी लगेगा, थ्रस्ट फोर्स अपवर्ड की ओर। और जब ये टर्मिनल वेलोसिटी को गेन करेगा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स इस पर जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया, इसका नेट फोर्स जीरो हो गया। अब नेट फोर्स जीरो हो गया तो इस पर हम लोग वैल्यू रखते हैं, पुट करते हैं एम जी। एम क्या है, स्फीयर का द्रव्यमान है, इस स्फीयर का मास है, तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास हो गया और जी हो गया। और ये कितना हो जाएगा, विस्कस फोर्स हो जाएगा 6 पाई ईटा आर वी। और ये फोर्स कितना हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड वाटर होगा, तो डिस्प्लेस्ड कितना मतलब जो भी फ्लूड है डिस्प्लेस्ड फ्लूड है 4/3 पाई आर क्यू इंटू डेंसिटी, इसका डेंसिटी सिग्मा इंटू जी इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन बनता है, ये इक्वेशन बनता है। तो इसको हम लोग यहां पे लिखते हैं, यहां पे इसको लिखते हैं क्या आ जाएगा, हम लोग को निकालना है भी निकालना है, टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है। जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो ये भी क्या होगा, टर्मिनल वेलोसिटी बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी इक्वल टू, इसको उधर ले आएंगे तो हो जाएगा, इसके बराबर कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्यू सिग्मा जी, कोई दिक्कत नहीं है, पाई पाई कट जाएगा, आर जो है ए आर कटेगा, यहाँ पे आर टू हो जाएगा, यहाँ भी आर टू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंप्लाई डेट क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 ईटा बी, 6 ईटा बी कितना हो जाएगा 4/3 आर स्क्वायर रो जी माइनस 4/3 आर स्क्वायर सिग्मा जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या होगा, 6 ईटा बी इसमें कॉमन ले लेते हैं, 4/3 आर स्क्वायर ये कॉमन ले लिए, कितना बजेगा रो माइनस सिग्मा जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम लोग भी निकाल लेते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी वी टी कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, इसको कटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी बाय ईटा। ये जो निकल गया टर्मिनल वेलोसिटी निकल गया, ये क्या निकल गया बच्चों, ये निकल गया टर्मिनल वेलोसिटी, क्या निकला भी टी निकल गया 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी ईटा, इस वेलोसिटी से गिरेगा, ये हो गया टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसी वेलोसिटी से पैराशूट भी गिरता है, पैराशूट भी स्फेरिकल रहता है और सेमी स्फेरिकल रहता है, और जब वो गिरता है तो उस पर भी इतना ही फोर्स लगता है 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी ईटा। ये बात समझ में आया, तो ये हो गया आपका टर्मिनल वेलोसिटी, ये स्टॉक्स लॉ हो गया, विस्कस फोर्स समझ में आ गया। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, आप नेक्स्ट क्लास में इसका न्यूमेरिकल लेके आएंगे। तो लाइक कीजिए, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।